हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, फ्लिपकार्ट का एक नया अपडेट आया है, बहुत ही जबरदस्त अपडेट आया है, जिससे आप फ्लिपकार्ट का ऑर्डर हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हो। तो किस तरीके से आपको फ्लिपकार्ट का ऑर्डर हिस्ट्री डिलीट करना है, आज की इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो सबसे पहले अपने मोबाइल डाटा को ऑन करते हैं और यहाँ पर अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे, तो हम यहां पर डायरेक्टली आ जाएंगे फ्लिपकार्ट पे। और आपको एक चीज बता दे, तो ये जो ऑर्डर हिस्ट्री है, काफी लोग यूट्यूब पे बहुत सारी चीज ऐसे सर्च करते हैं कि यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि किस तरीके से फ्लिपकार्ट का ऑर्डर हिस्ट्री हम डिलीट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको वही दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से ऑर्डर हिस्ट्री आप डिलीट कर सकते हो। तो यहां पर जैसे आप फ्लिपकार्ट को ऐप को ओपन कर लेते हैं, ओपन करने के बाद यहां पर आपको डायरेक्टली आ जाना है माय अकाउंट पे। यहां पे आपको अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा, अकाउंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। जैसे ही आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा तो यहां पर आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं, एक मिलेगा नोटिफिकेशन सेटिंग्स। तो आपको नोटिफिकेशन सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर मिलेगा नोटिफिकेशन परफॉर्मेंस। यहां पर जो नोटिफिकेशन का ही सारा कंट्रोल है, तो यहां से आप ऑर्डर हिस्ट्री नहीं डिलीट कर सकते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन को आप कंट्रोल यहां से कर सकते हैं, जो कि बंद और चालू भी कर सकते हैं। तो यहां पर हम बैक आएंगे डायरेक्टली माय ऑर्डर पे, जो कि ऑर्डर्स वाले सेक्शन पे आएंगे। ऑर्डर्स वाले सेक्शन पे आने के बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस मिलेगा। तो यहां पर हम आएंगे, जो कि एक ऑर्डर पे हम क्लिक कर लेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है। तो यहां पर हम आएंगे नीचे। नीचे आने के बाद यहां पर जो है डिलीट करने का कहीं ऑप्शन नहीं है, तो यहां पर आपको डायरेक्टली बैक आना है। बैक आने के बाद यहां पर आपको फिल्टर्स वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहां पर देख सकते हैं कहीं भी डिलीट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहां पर हम कैंसिल करते हैं। कैंसिल करने के बाद यहां पर हम फिर से माय अकाउंट पे आएंगे। अकाउंट पे आने के बाद यहां पर आपको मिलेगा एडिट प्रोफाइल, तो एडिट प्रोफाइल पे हम क्लिक करते हैं। एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहां पर भी कहीं भी ऑप्शन नहीं दिया गया, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं डीएक्टिवेट अकाउंट्स, यहां से आप अपना अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। डीएक्टिवेट करने के बाद आपका अकाउंट परमानेंटली डीएक्टिवेट हो जाएगा, जिससे कि आपका प्रोफाइल पे जो भी आपने ऑर्डर किया था अपने नंबर से, वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो यहां से आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं, जिससे कि आपका ऑर्डर हिस्ट्री सारा डिलीट हो जाए। बात ये होगा, आप बोल रहे होंगे कि मैंने तो बताया ऑर्डर हिस्ट्री डिलीट करने का, तो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया कि ऑर्डर हिस्ट्री डिलीट करने का कहीं ऑप्शन नहीं दिया गया है। आप अपना अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन आप ऑर्डर हिस्ट्री को डिलीट नहीं कर सकते हैं। यूट्यूब पे काफी ज्यादा सर्च किया जा रहा है, काफी ऐसे वीडियो है जो चल रहे हैं कि ऑर्डर हिस्ट्री कैसे डिलीट करें, लेकिन आप इस पे टाइम फालतू टाइम ना दे, ऑर्डर हिस्ट्री आप डिलीट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आप अपना डीएक्टिवेट अकाउंट कर सकते हैं, जिससे आपका ऑर्डर हिस्ट्री परमानेंटली हट जाएगा, आपका प्रोफाइल भी जो कि हट जाएगा, और इस तरीके से अपना ऑर्डर हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स कमेंट में जरूर बताना कि आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया या नहीं हुआ। और साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।